नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्माता राजकुमार अरपांडे और मैं बात करूंगा मेरी फिल्म पांचाल, जिसको लेकर लोग इतना गुस्से में हैं, विरोध जता रहे हैं मेरी फिल्म के बारे में कि उस फिल्म के अंदर जो कुछ डायलॉग्स हैं वो बहुत मतलब डायरेक्ट बोले गए हुए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए, और जो मुहिम है भोजपुरी को क्लीन करने का, इसको साफ़ सुथरा करने का, ये मुहिम बिल्कुल जारी रहना चाहिए। और मैंने जो फिल्म प्रोड्यूस की है, इसका निर्माण जो किया है, इसी के तहत किया है कि हमारी जो भोजपुरी फिल्में हैं, सिर्फ फिल्म ही क्यों, भोजपुरी भाषा क्लीन होनी चाहिए। यानी जो अश्लीलता, जो शब्द, जिस तरह के गाली गलौज आम जिंदगी में भी लोग देते हैं, वो भी क्यों होना। ये उसी के तहत एक बात है, जिसके तहत लोग जो है किस तरह का शोषण है। मेरे पास इस कॉन्सेप्ट को लेकर लालजी यादव आए और लालजी ने हमसे कहा कि सर, गांव में हम जब रहते हैं, तमाम ऐसे सिंगर्स हैं जिनके गाने बहुत बहुत मतलब डायरेक्ट वाले गाने आते हैं, डबल मीनिंग भी, जिन्हें नहीं कहा जा सकता है। और फिर देव पांडे हमारे फिल्म के जो निर्देशक हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि इसके निर्देशक कौन है। तो मैं आपसे कहूँ कि इसके स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो लिखे हैं वो हैं लालजी यादव, हमारे राइटर, जो हमारी कई सारी फिल्में लिख चुके हैं, और इसका निर्देशन किया है देव पांडे जी ने, और मैं इस फिल्म का निर्माता मात्र हूँ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बनाने का जो इरादा या जो लोगों ने जो सोचा, इसे बनाया जाए उसी के तहत, जिस तरह से नए नए लड़के इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और कई बार जो इस्टेब्लिश लोग हैं वो ना मिल के फेक और फ्रॉड लोग उनको मिल जाते हैं, और किस तरह से वो फ्रॉड कर लेते हैं उन बच्चों के साथ, जो बच्चे अपनी ज़मीन, अपना खेत, एक आध कट्ठा ज़मीन घर से बिछवा देते हैं, या ज्वेलरी अपने माँ बाप का बिछवा देते हैं, या चोरी कहीं से कर घर में अपने चोरी चमारी करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि, और उसमें आते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन चूँकि सही आदमी के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती है, इसलिए सही दिशा उनको नहीं मिल पाता है। और जो फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं, मेरे साथ खुद ये घटना घट चुकी है, मेरे नाम का नकली फर्जी राजकुमार आर पांडे बन के कई लोगों ने फ्रॉड किया, मैंने FIR भी किया था, मैंने उसमें बाकायदा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मैंने उसको शो भी किया था, उसको दिखाया भी था कि देखिए उसके तहत जो है किस तरह से लोग उनके फ्रॉड का वो एक बन जाते हैं, और वो मतलब सिनेमा तो छोड़ी, सिनेमा में आबाद होने की जगह वो जो उनके पास जमा पूंजी होती है माँ बाप की, उससे भी जाते हैं और फिर कहीं के बेचारे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर, जिसको लेकर इस फिल्म को बनाई गई है। उसकी दूसरी बात, उसका दूसरा पहलू है, वो ये है कि कितना शोषण लड़कियों के साथ, जो आम बातें लोग करते रहते हैं, वो मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना है। आईना मतलब वो शीशा, वो जैसे आपने शीशा सामने रखा और जिस तरह का आप चेहरा बनाएंगे, आपका चेहरा उसी तरह दिखेगा। इसी तरह जब समाज में जो अच्छाई बुराई घटती है, उसी घटनाक्रम को लेकर एक फिल्म बनाई जाती है, उसी पर मैंने इस फिल्म को बनाया है। मेरे फिल्म के बनाने का मकसद पांचाल यही है कि जो समाज में गंदे गंदे गाने, ऐसे ऐसे शब्द, जो शब्द आते हैं गाने में, मारा बैसन लबेदा छेदा जाम हो जाई, लहंगा रिमोट से उठ जाता है, मीटर लग जाता है, अब एक छोटा बच्चा होता है और वो गाता है चोलिया के हुक, हमरा हऊ चाही, ऐसे तमाम गाने, मतलब ऐसे इतने वो तो छोड़िए, तो फिर भी ठीक है, जायदा जान जगह पे जाता, इसके अलावा न जाने कितने ऐसे गाने हैं, साइलेंसर छुआ है, दो दो इंडिकेटर। अब एक महिला के जो उसके शारीरिक अंग हैं उनका इस तरह से चित्रार्थ करना, उसको इस तरह से शब्द दे देना, मशीनरी का शब्द उनको देना, उनके बॉडी पार्ट्स को, जितना औरतें अपने बारे में नहीं जानती हैं, उससे ज़्यादा लोगों ने, कुछ जो नए नए सिंगरों को, जिनको ये लगता है कि अश्लील गा के हमको स्टारडम मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों का मुँह तोड़ जवाब है, मैं भी चाहता हूँ कि ये बंद हो, इसीलिए मैंने ये फिल्म को बनाई है। घर में बैठे हुए लोग इतनी गालियाँ, दादा चाचा नाना मामा घर में बैठे रहेंगे, आम बोल चाल में दिन में कम से कम 15-20 गालियाँ वो देते हैं अपने ही बेटे को, तो कहाँ गल रहे फलन और तुर माई तुर बहन, इस तरह की गालियाँ लोग देते हैं, जिन गाली को हम शायद रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उसमें रोज़मर्रा के लाइफ में वो गाली मेरी ज़बान पर नहीं है। तो ये चीज़ें होती, एक दोस्त की बहन, एक दोस्त और उसके दोस्त की बहन, उसकी क्या हुई, उसकी बहन हुई,
एक दोस्त और उस दोस्त दूसरे दोस्त की माँ उसकी क्या हुई माँ हुई। लेकिन आम बोलचाल में लोग माँ बहन की गालियाँ देके भले मजाक में ही देते हैं लेकिन गाली देते ही हैं, और वो गाली फाइनली किसको पड़ती है? वो गाली उन महिलाओं को पड़ती है। आप दोस्त हैं, आप आदमी हैं, आप पुरुष हैं, आपने जितनी भी बातें की आप फ्रस्ट्रेशन में तो अरे फलाना ऐसा, अरे मतलब आप गाली दे के अपने आप को संशोधन कर लेते हैं, अपने आप को संबोधन कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो जो गालियाँ होती हैं, जो अब्यूज़, जो इस तरह के शब्द होते हैं, वो फाइनली किसी एक औरत के लिए दिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ, मैं इसीलिए पहले कहा कि सिर्फ ये जो गालियों से और अश्लीलता मुक्त और इस तरह की चीज़ों से मुक्त सिर्फ सिनेमा ही क्यों, ये भाषा ही क्यों नहीं इस तरह से गालियों से मुक्त होनी चाहिए, जो घर से शुरू होकर दुनिया तक, जब आम बोलचाल में लोग गालियाँ दे सकते हैं। और अभी मतलब मुझे लगता है कि 50% लोग इस तरह की गाली देते होंगे, मैं 100% लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ। जब आम जनजीवन में लोग इतनी गाली देते हैं, उस फिल्म के अंदर 4 डायलॉग जो आ गए उसके लिए इतना तांडव आप लोगों ने मचा दिया, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मचाना चाहिए। मैं कल ट्रेलर बंद करवा दूँ, मैं किसी ऐसे फिल्म से, मेरा कोई ये नहीं है या कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं समाज को गंदा करके कोई फिल्म बनाने के लिए मैं उसके पक्ष में हूँ या मैं उसको ये करूँ। आप फिल्म देखिए, फिल्म में बहुत बड़ा बड़ा मैसेज है। एक पुरुष जो होता है, उसको जिस दिन एक लड़के को पता चलता है कि एक लड़की है, वो किसी और के साथ उसका हंसना बोलना था, वो शादी करने से उसे मना कर देता है, जबकि उस लड़की के साथ कोई और दूसरा लड़का ही हंसता बोलता है। या लड़के ऐसे हैं जो फ्लर्ट करते हैं, या लड़कियां भी मान लीजिए किसी से मिली, तो जब लड़कों के पास इस तरह की क्षमताएं और योग्यताएं या उनको उच्चतम दर्जा दिया गया है कि ये सोच के मना कर दे, तो अगर एक लड़की के साथ जिसके साथ रेप बलात्कार हो जाए उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ये सारे मुद्दे हैं। आज भी इतनी घिनौनी हरकतें समाज के अंदर हो रही है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग रेप कर रहे हैं, लोग नहीं चूक रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 130 करोड़ आबादी की ये कहानी है, मैं कह रहा हूँ उनमें से चंद लोगों के बीच की ये कहानी है, उनको मुद्दा है। उन मानसिक जो कुरूपियाँ हैं, जो मानसिक रूप से जो बीमार हैं, उनके लिए ये बातें रखी गई है। पांचाल किसी कोई धार्मिक आस्था को लेकर कोई हर्टिंग मोमेंट नहीं है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं बिलीव करता हूँ अपने ग्रंथों पर, अपने इतिहास पर, मैं प्राउड करता हूँ मेरे इतिहास पर। लेकिन मैं फिर कहूँगा, पांचाली नाम का वेब सीरीज़ आया जिसमें बहुत गंदे गंदे शब्द, जिसमें बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, फिल्में तमाम आई हैं, हमारे इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने, एक एक्टर ने तो बाकर तेरी पिछवाड़े, मतलब उसकी जगह प्रॉपर गाली देके बोला ऐसे डाल दूँगा, लोगों ने तालियां बजाई। बहुत ऐसे डायलॉग हैं, मैं किसी को टारगेट करके बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इसको मुक्त करना है तो हर तरफ से बंद करिए। आप मुझे अश्योरिटी दें कि अगर सब लोग गालियां देना बंद कर दें, एक दूसरे की माँ बहन करना बंद कर दें, हम कल बंद कर देंगे। मुझे इसी तरह ये बोलना था, ये बताना था कि ये असर इसका कितना बड़ा पड़ता है। मेरे 4 गाली से इतना असर पड़ा, आप लोग जागे ना, आप लोग जाग गए, तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे जागिए, अपने अगल बगल अपने दोस्त यार के मुंह से भी गाली सुनिए माँ बहन की, तो मना कर दीजिए कि गाली चुप, गाली क्यों दे रहा है। झगड़े की बात नहीं कह रहा हूँ, झगड़न तो ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं, प्यार में बाप अपने बेटे तक को गली आता है, कह रहे फलनवा कहाँ गए, ले 2 घंटा बैल और 2 घंटा लगा दे उसको। तो ये जो है, जहाँ जिस भाषा के अंदर लोग बात बात पे प्रयोग करते हैं गालियों की, तो क्या अच्छा लगता है क्या? उस टाइम औरतें भी चलती रहती हैं, घर में औरतें बैठी रहती हैं, लड़कियां बच्चियां भी रहती हैं, लेकिन कोई नहीं चूकता है उस वो मतलब हमको लगता है यंग जनरेशन तो कम ही देता होगा, लेकिन 25 साल के बाद तो ज़्यादातर लोग इस तरह की गालियां देते, और जो यंग जनरेशन है वो दोस्त यार में आपस में माँ बहन करता रहे। तो ये सिर्फ सिनेमा जो है वो सिनेमा के लिए ही नहीं, और बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग जब फिल्म देखिएगा, फिल्म देखने के बाद अगर आपको लगता है कि गलत है तो मुझे जो कहिएगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका विरोध मुझे अच्छा लगा, ये विरोध बट गलत तरीके से आपका विरोध है, क्योंकि आपको नहीं पता कि फिल्म के अंदर क्या है। इसलिए मैं उस बात से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, जब आपको पता चलेगा कि सच क्या है, फिल्म की बात क्या है, तब आपको प्राउड होगा कि नहीं, किसी इंसान ने छुआ है ऐसे पहलू को जो समाज को, जो हमारे, और सच्चाई है कि इंडस्ट्री की, मतलब समाज के साथ साथ जो इंडस्ट्री की एक जो बातें हैं उसको बहुत बड़े तरीके से आईना दिखाया गया है। ये सब चीज़ें हैं, और अगर कहीं कुछ किसी को सवाल है या किसी का जवाब है
तो मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म बनाने का फिर कह रहा हूं, मेरा मकसद यह है कि हमारी भाषा क्लीन होनी चाहिए अश्लीलता और कुहरता से, और फिल्म को तो क्लीन होना ही चाहिए। लेकिन जब समाज जागेगा, जब समाज क्लीन होगा, जब समाज स्वच्छ होगा, तब फिल्में अपने आप स्वच्छ जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर पूरे भोजपुरी जहान को दिल से नमस्कार प्रणाम। जो लोग लाइक कर रहे हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जो बुद्धिजीवी वर्ग होकर भी समझने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फेक आईडीज बना के गालियाँ देना है, जिनको फेक बातें करना है। कुछ लोगों का मुद्दा, जैसे लैला मजनू में एक पिक्चर बनाई थी मैंने, सिंगल वर्ड्स उसके अंदर नहीं, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने भर भर के गालियाँ दिया है। विवाह जैसी फिल्मों को गालियाँ दिया है। कुछ लोगों ने मुद्दा ही बना लिया कि एक किसी एक हीरो की फिल्म आती है, वो दूसरे लोगों ने गाली देना। हर हीरो को, हर एक्ट्रेस को, हर एक्टर को, हर टेक्नीशियन को, हर फिल्म को कहीं ना कहीं लोग गालियाँ देते हो। अरे क्या सबके सब खराब हैं, या ये आदत में आ गई है गालियाँ देना? और मैं एक बात और कहूँगा कि जो लोग अश्लीलता और सलील होने की बात कर रहे हो भाई, वो लोग अपना विरोध प्यार से बता सकते हो, गुस्सा बता सकते हो। आप तो खुद गाली भर भर के दे रहे हो उसके नीचे, तो आप गाली दे सकते हो लेकिन आप गाली सुन नहीं सकते। मतलब आपको गाली नहीं भी दिया गया है, एक फिल्म के अंदर गाली है, उसको सुन नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। आप अकेले उसको देखने में आपको परहेज है, लेकिन आप दूसरों को भर भर के गालियाँ दें। मतलब मॉडर्न लड़की दूसरे के घर की अच्छी लगती है, अपने घर की नहीं। अपने घर की लड़की अगर थोड़ा सा कपड़ा ऐसे पहन ले तो पूरा ब्रह्मांड उल्टा हो जाए, लेकिन वही दूसरे घर की कोई लड़की अगर कपड़ा उसका दुपट्टा गिर जाए तो बड़े मज़े आते हैं। तो मुझे लगता है अगर समाज को जगाना है, अगर इसको स्वच्छ करना है, तो बहुत अच्छे मानसिकता के साथ सबको चलना होगा। मेरा मैसेज जो है, मेरा मकसद जो है, उसको प्लीज़ समझने की कोशिश करें। आप एक बार पांचाल को ज़रूर देखिएगा, और मैं फिर कह रहा हूँ, तब आप प्राउड करेंगे अपनी भाषा, और उन लोगों पर नफरत करेंगे जो वाकई इस घटिया, घिनौने और गलीज और फुहड़ता के सपोर्टर्स हैं, या जो फैला के रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से अपने पूरे भोजपुरी जहान को दिल से नमस्कार प्रणाम। पूरी ज़िंदगी प्यार देते आए हो, आगे भी देना। मैंने ऐसा कोई डिसीजन ज़िंदगी के लिए नहीं लेना है जो हमारे समाज के लिए, हमारे सिनेमा के लिए ख़राब हो। आप ही लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बड़ी बड़ी फिल्में मैंने बनाई हैं, और ऐसी कोई फिल्म को बनाकर मुझे एक फुहड़ लोकप्रियता पाके, जो लोकप्रियता मिलनी थी ऑलरेडी मिल गई है, मुझे किसी लोकप्रियता की अब ज़रूरत नहीं है। और जो आप लोगों ने रोज़ी रोटी दिया है उसमें मैं खुश हूँ। ऐसे किसी कार्य को करके मुझे किसी गंदे तरीके से किसी पैसे को पाने का कोई शौक नहीं है। बस मेरा इरादा, मेरा मकसद, जो लालजी यादव ने कॉन्सेप्ट लिखा, देव पांडे ने जो डायरेक्ट किया, उसको हम सब ने मिल के जो पोट्रे किया, जो सह कलाकारों ने, साथी कलाकारों ने, टेक्नीशियन ने काम किया है, सबका मकसद सिर्फ ना है कि ये जो अभद्रता, ये भाषा जो आम जनजीवन में इस्तेमाल हो रही है, प्लीज़ इसको बंद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।